हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। हमने ह्यूंडई वर्ना 2015 मॉडल का वॉक अराउंड किया था, तो अब बारी है इसके टेस्ट ड्राइव लेने की कि आफ्टर 50,000 किलोमीटर ये कैसे बिहेव करती है टेस्ट ड्राइव में, चलाने में कैसी है, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसके टेस्ट ड्राइव ले ली जाए। ये इसका पुश स्टार्ट बटन, ये देखे सीट बेल्ट वार्निंग जो है वो आ गई है। तो भाई जरूरी है सीट बेल्ट आप जरूर लगाएगा जब भी आप कार चलाए, और टू व्हीलर चलाए तो हेलमेट भी जरूर पहनिएगा। ये रही उसकी कीज, ये इसका पार्किंग मोड, और हम लोग डाल देंगे इसको ड्राइव मोड पे। तो इसमें 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगा हुआ है। जैसे ही आप ब्रेक पैडल से पैर हटाएंगे गाड़ी जो है वो अपने आप चलना स्टार्ट कर देगी। ये स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, ये भी एक सेफ्टी फीचर है, और हल्की सी आपको डीजल क्लैडिंग की आवाज जो है वो सुनाई देगी, हल्की सी मतलब उतनी नहीं है। लीटर का डीजल इंजन इसमें लगा है जो प्रोड्यूस करता है 128 bhp और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और पावर जो है वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब इंस्टेंट पावर आपको मिल जाती है। थोड़ा सा हल्का सा लैग है, लेकिन जैसे ही 1750 rpm के ऊपर जो क्रॉस करेगी आपको ज़बरदस्त रिस्पॉन्स जो है वो मिलेगा। इसकी ड्राइवेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, सस्पेंशन सेटअप भी काफ़ी अच्छा है। आगे है मैक पर्सन स्ट्रक सस्पेंशन है, और पीछे है कपल्ड टॉर्जन बीम कॉइल स्प्रिंग के साथ, जो कि काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं इसके सस्पेंशन। झटके वगैरह बिल्कुल भी महसूस नहीं होते। ये एक्सपेंशन जॉइंट है, वहाँ पे भी आप बड़े ही आराम से आप निकल जाएंगे। इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। स्टीयरिंग व्हील है वो रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग व्हील है। उसकी फील और फीडबैक जो है वो काफी बेहतरीन है, बड़ा ही एक्यूरेट स्टीयरिंग है इसका। और ब्रेकिंग भी इसकी काफी अच्छी है, क्योंकि चारों के चारों व्हील्स में जो डिस्क ब्रेक लगी है, आगे वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक और पीछे है सॉलिड डिस्क ब्रेक, और ABS और EBD तो ऑब्वियसली है। सेफ्टी के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS, EBD, फिर पीछे के डोर्स है वो चाइल्ड लॉक है, एंटी थेफ्ट अलार्म भी मिलता है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक भी मिलते हैं, मतलब लोडेड है ये गाड़ी। जब लॉन्च हुई थी तब लोडेड विद द फीचर्स। उस सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर्स जो है वो वरना ही देते थे। चलाने में इतनी मजेदार है ये। टायर्स जो ग्रिप मिलती है, टायर्स से जो ग्रिप मिलती है वो काफी बेहतरीन है। हालांकि इसका टायर जो है वो नए कॉन्टिनेंटल के टायर्स जो है वो लगाए गए हैं, जो कि एक बेहतरीन ड्राइवेबिलिटी प्रोवाइड करता है।
कॉर्नरिंग पे ये काफ़ी स्टेबल रहती है, और ब्रेकिंग की बात करें तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग है इसका। फाइव पॉइंट टू मीटर का टर्निंग रेडियस है इसमें। पिकअप जो है वो काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया पिकअप है इसका। कैबिन इंसुलेशन की बात करें तो कैबिन इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छा है। हल्की सी आपको डीजल क्लैडिंग की आवाज़ जो है वो सुनाई देगी, बट उतनी नहीं। रिफाइनमेंट लेवल काफ़ी अच्छा है इसके, वरना के वैसे भी ह्यूंडई के जो डीजल इंजन है वो रिफाइनमेंट के लिए जाने जाते हैं। इसका ब्रेकिंग टेस्ट भी थोड़ा सा कर लेते हैं, उतना हार्ड ब्रेकिंग हम लोग नहीं करेंगे। ये देखिए रुक गई, काफ़ी अच्छी तरीके से रुक गई है। जैसे ही हम लोग रिवर्स डालेंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन दे रखी है मिरर के अंदर ही, जो आपको दिखाएगा पीछे का व्यू। और हालांकि कोई डायनेमिक गाइडलाइंस, एडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं तो उसकी जो लाइंस है वो नहीं घूमती है, लेकिन फिर भी कैमरा जो वो दिया गया है। ये देखिए पिकअप जो है वो काफ़ी बहुत ही बढ़िया पिकअप है इसका। 0 to 100 जो है वो 10.5 सेकंड में पकड़ लेती है। 0 से 100 की स्पीड जो है 10.5 सेकंड में ही पकड़ लेती है, यानी कि ओवरटेकिंग में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया है इसका। सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है, लॉन्ग डिस्टेंस में आपको बिल्कुल भी थकावट जो है वो महसूस नहीं होगी। और मिरर्स भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े मिरर्स हैं, और यहाँ से आप जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ह्यूंडई वरना हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले जो ओनरशिप रिव्यूज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, गाड़ी चला रहे हैं तो आप सीट बेल्ट ज़रूर लगाइएगा, और टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट आप ज़रूर पहनिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में।